हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो यहाँ पर हम एक नई प्लेलिस्ट निकालने वाले हैं जिसका नाम है एंगुलर 12 प्रोजेक्ट प्रैक्टिस, और ये हमारा पहला वीडियो है। और इस पहले वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास वैल्यू फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू। एक कंपोनेंट से व्यू पर हम किस तरीके से वैल्यू को पास करते हैं, ये एकदम बिगिनर की सीरीज है। जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए है। पहले एक एक चीज़ सीखें कि पहले वैल्यू को कैसे कंपोनेंट पे सेंड किया जाता है, कैसे भेजा जाता है, और उसको रेंडर कैसे किया जाता है। तो एकदम सिंपल और एकदम ईजी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर आपको एंगुलर से रिलेटेड बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ट्यूटोरियल से रिलेटेड, तो एक भी प्लेलिस्ट मिस ना करें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा पास वैल्यू फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू, इसको हम कैसे करेंगे। तो हम सिंपल सा एक एंगुलर को इंस्टॉल कर रखे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप के अंदर हमारा सिर्फ वही प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं, वही प्राइमरी फाइल्स हैं जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे जनरेट होती है। हमने कुछ यहाँ पे अलग से नहीं ले रखा है। ऐप मेडुल डॉट एस, ऐप कंपोनेंट डॉट एस, ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल और ऐप कंपोनेंट सी एस एस, और ये राउटिंग का है। यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया, एक एच वन टैग लिया। एच वन टैग में हमने क्लास टेक्स्ट एंटर किया, MT5 मतलब मार्जिन टॉप 5 दिया, और यहाँ पे लिखा एंगुलर 12 प्रोजेक्ट प्रैक्टिस H1 क्लोज किया, HR टैग लगाया हॉरिजेंटल रो एंड BR टैग ब्रेक लाइन। उसके बाद H2 टैग लिया, यहाँ पे क्लास सेंटर लिया, पास वैल्यू फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू। और उसके बाद अब हम करने वाले हैं यहाँ पर थोड़ा सा डेटा एक लेंगे अपने कंपोनेंट पे, और उस कंपोनेंट का डेटा हम कैसे अपने व्यू पे ले जाते हैं और उसको कैसे रेंडर कराते हैं, ये चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने आप ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस पे आ जाना है आपको। यहाँ पर पहले एक लाइफ साइकिल हुक को कॉल करना है, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट, ये रहा इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट करना किसको है, आपको ऑन इनिट को करना है, ऑन इनिट। जैसे यहाँ मैं करूँगा ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, कोर लाइब्रेरी का पार्ट है। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, बट यहाँ पे अब एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको इनकरेक्टली इम्प्लीमेंट इंटरफेस ऑन इनिट को कॉल किया हो। तो इसके लिए इस ऑन इनिट को यहाँ पे डिस्क्राइब करना मस्ट है। तो चलिए डिस्क्राइब कर लेते हैं। डाउट लगते हैं और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं। अब देखो एरर आपका दूर हो गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने तीर नहीं मारा कुछ, बस सिंपल सा मैंने एनजी ऑन इनिट को सिंपली यहाँ पे कॉल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिफाइन करेंगे। ये वेरिएबल तो हमारा बाई डिफॉल्ट प्रोजेक्ट का रहता है जो टाइटल में बना हुआ आता है। वेल टाइटल लिखा रहने देते हैं, हमें टाइटल से कुछ लेना देना नहीं है, या इसको रिमूव कर दे रहे हैं क्योंकि इस टाइटल को ही कॉल कर लेते हैं। एचटीएमएल इतना लंबा चौड़ा। तो यहाँ पे देखो एक पहला तरीका होता है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन मतलब डबल करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके अंदर आपको सिंपल कोई भी नहीं पड़ेगा। लेट्स सी, ये देखो आउटपुट सेम एज दिस वैसा का वैसा है, पर ये डेटा कहाँ से आ रहा है, अब हमारा डायनेमिकली आ रहा है। डायनेमिकली मतलब कंपोनेंट से व्यू पे जा रहा है, ये कंपोनेंट है और यहाँ से व्यू पे जा रहा है। लेकिन ये तो सिंगल एक डेटा हुआ, अगर मान लो मुझे मल्टीपल डेटा पास करना हो, तो मल्टीपल डेटा पास करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलो एक वेरिएबल बना लेता हूँ एज, और एज को मैं दूंगा नंबर टाइप का, यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ नंबर। इसी तरीके से यार ये प्रॉपरली ऐसा क्यों बता रहा है, जितनी बार हम कर रहे हैं अनडिफाइंड एज, एज नंबर, एज के साथ ये एक्सक्लेमेटरी साइन क्यों लग रहा है। चलो ठीक है, इसकी भी मिथ हम दूर कर देंगे। ये आई थिंक इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम इसको अगर एनी डिफाइन करें, क्योंकि एंगुलर में मोस्टली सारा काम एनी पे हो रहा है, अगर एनी टाइप का डिफाइन करते हैं तो ये परेशान नहीं होता। लेकिन अगर जब हम पर्टिकुलर कोई नंबर डायल कर, मतलब पर्टिकुलर नंबर या स्ट्रिंग या ऐसा बुलियन टाइप का लेते हैं, तो उसके लिए ऐसा सीन क्रिएट कर रहा है। बट कोई इशू नहीं, हम यहाँ पर एज लिए और यहाँ टाइप का दूंगा, स्ट्रिंग तो सपोर्ट करता है लेकिन यहाँ स्ट्रिंग भी नहीं ले रहा, सो नॉट एन इश्यू।
इतना गैप जो है इसको हटाता हूँ करता हूँ। ठीक, अब कोड हमारा सही से दिख रहा है। और अब हम क्या करने वाले हैं, ng on init पे इसकी हम वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। दिस डॉट ng on init के बारे में आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लाइफ साइकिल हुक का वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी, आप लोग वहाँ पे देख कर सीख सकते हैं। यहाँ पे एज में दे दिया 25। दिस डॉट फुल नेम दिया टेस्टी कोड इज, यहाँ पे मैंने फुल नेम दिया है। और यहाँ पे स्टेटस में दूंगा दिस डॉट स्टेटस इज इक्वल ट्रू। ट्रू की वैल्यू आप बाय डिफॉल्ट ऐसे लिख सकते हैं, इसके लिए कोई स्ट्रिंग की जरूरत नहीं क्योंकि ये बुलियन टाइप होता है। ट्रू एंड फॉल्स इसको बिना स्ट्रिंग साइन के अंदर रखा जाता है, मतलब बिना डबल कोट या बिना सिंगल कोट के अंदर ऐसे ही रखा जाता है। ठीक है, दिस डॉट यहाँ पे मैं ईमेल लूँगा और ईमेल में मैं एज ए स्ट्रिंग पास करूँगा आशीष एट द रेट जीमेल डॉट कॉम। ठीक है, आई थिंक इट्स फाइन। तो बस मुझे इतना करना था यहाँ पे ng on init पे हम लाइफ साइकिल हुक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस सारे डेटा को एक डिफाइन कर दे रहे हैं कि किस इस डेटा में क्या रहेगा। एज पे हमारा 25 एज है, फुल नेम पे टेस्टी कोडीज है, स्टेटस ट्रू रहेगा और ईमेल आईडी aashish@gmail.com रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अपने html पे आते हैं और यहाँ पे एक ड्यू क्रिएट करते हैं, ड्यू डॉट रो। चलो ड्यू डॉट रो के अंदर हम क्या करेंगे, एक टेबल ले लेंगे सिंपली और टेबल में अच्छे से प्रिंट करा सकते हैं। और यहाँ पर हम टी हेड लेते हैं, टी हेड, और टी हेड के अंदर टी एच, टी एच में हम पास कराने वाले हैं सबसे पहले हमारा रहेगा एज। इसी तरीके से हम इसको कॉपी करेंगे, एकदम सिंपल है, अगर आप लोग चाहो तो इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। एज है, फुल नेम है, आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं इसको, मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ जितना हो सकता है। यहाँ पर आप स्टेटस लिख सकते हो, स्टेटस, और यहाँ पर आप लोग ईमेल लिख सकते हो, सो आई एम राइट हियर ईमेल। अब इसके बाद यहाँ पर टी आर जनरेट होगा और इस टी आर पे ही ये सारा वर्क होगा। ठीक है, पेस्ट किया। अब इसी तरीके से टी हेड के बाद अब टी बॉडी लूँगा और टी बॉडी के अंदर टी आर अगेन लूँगा और टी आर के अंदर टी डी लूँगा। ठीक है, अब टी डी के अंदर हम क्या करेंगे, इंटरपोलेट कराएंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिखेंगे सिंपली एज और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ लिखूँगा फुल नेम, यहाँ लिखूँगा स्टेटस और यहाँ लिखूँगा ईमेल, सेव कर देता हूँ। एक बार रन करा के चेक कर लेता हूँ, कोई एरर तो नहीं है यहाँ पे, तो कोई रन एरर नहीं है, लेकिन रन कराता हूँ। ओके, यहाँ पर हमारा डेटा आ रहा है लेकिन बहुत इधर उधर हो जा रहा है, डेटा दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिव क्लास रो और यहाँ पर मैं दूंगा क्लास टेबल, सेव करता हूँ और एक बार चेक करता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो एज बहुत कंजेस्टेड आ रहा है, तो मैं काम करूंगा, मार्जिन लेफ्ट मैंने दे दिया, तो यहाँ पे देखो अब प्रॉपरली मुझे दिखने लगा। तो इस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पे देखो दिख रहा है, एज के नीचे एज 25 है, फुल नेम पे टेस्टी कोडीज है, स्टेटस ट्रू है और ईमेल आईडी ये दिख रहा है। इन केस आपको कुछ चेंज करना हो, स्टेटस फॉल्स करना हो, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है और जैसे ही फॉल्स करेंगे वैसे ही वहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा। सेव किया मैंने,
और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्टेटस देखो फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से हम पास वैल्यू फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू, कंपोनेंट का सारा वैल्यू जो है व्यू पे पास कर रहे हैं और यहाँ पे रेंडर करा के आपको दिखा रहे हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला वीडियो एंगुलर 12 प्रैक्टिस वीडियो में। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बताइए, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर लिखें।